हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार, कोच ऑफ कर्नल शार्प शूटर जालंधर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ NH200 अथीना और SH200 मिनर्वा। आज हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनकी दोनों की एक्यूरेसी, इनके वेलोसिटी और इनके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है और इनके प्राइस के बारे में भी हम जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस आता है और सर्विस के बाद इंक्लूडेड सारी चीज़ें हम नोट करेंगे कि आपको टोटल आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने राइफल्स दोनों इस तरह से रख दी है। अब आप देख रहे हो कि जैसे कि ये प्रेसियोल स्पोर्ट्स कंपनी की दोनों राइफल्स हैं और ये NH200 अथीना है और ये सेकेंड प्रेसियोल स्पोर्ट्स कंपनी की है SX200 मिनर्वा। तो हम जैसे कि आप देख रहे हो कि लुक वाइज देखने में दोनों सेम है और जो राइफल्स हैं, ये राइफल्स हैं जो इनका वेट है या इनकी पावर सोर्स है या वेलोसिटी है ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। आप मतलब देखने से आप जज नहीं कर सकते कि इनमें क्या फर्क हो सकता है। अगर अब हम जब फायर करेंगे तो फायर करके देखेंगे कि जो उसको रीलोड हम करते हैं या फिर इसका जो रिकॉइल है या इसकी जो स्पीड है उसके बारे में देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता बट हम जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। अब हम फायर करके देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि जो ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश टारगेट है। अब मैं इससे आपको 3 शॉट्स फायर करके दिखाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आता है। तो जैसे कि अब मैं इसको लोड कर रहा हूँ और लोड थोड़ा सा फोर्स लग रहा है लोड करते वक्त और ये SX200 जो राइफल है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं 3 शॉट्स फायर करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको फायर करके दिखा रहा हूँ, और ये अब लास्ट शॉट है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो जैसे मैंने अभी 3 शॉट्स फायर किए हैं और देखते हैं, तो जैसे कि मैंने 3 शॉट्स फायर किए हैं और 2 शॉट्स ऑलमोस्ट ब्लैक में है और 1 शॉट जो कि थोड़ा बाहर की तरफ गया है। तो जैसे कि मैंने अभी ये शॉट चलाया तो मुझे थोड़ा सा जो इसका लोडिंग के टाइम पे जो फोर्स है मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और बाकी भी दूसरी राइफल हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि उसका जो रिकॉयल है या फिर जो उसकी जो रीलोडिंग फोर्स है वो कितनी लगती है। तो अब मैं टारगेट चेंज करता हूँ। अब NH200 थी ना, अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। अभी जैसे कि मैंने अभी एक शॉट फायर किया है, मुझे यहीं से जज हो रहा है कि जो इसका रिकॉयल है वो बिल्कुल ना के बराबर इसका रिकॉयल है। SX200 में मुझे लगा कि इसके अंदर थोड़ा रिकॉयल है बट इसके अंदर वो रिकॉयल नहीं है। सेकंड, मुझे ये भी फील हुआ कि जो आप लोड कर रहे हो तो इसमें मुझे इतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही बट SX200 में उसमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही थी। लास्ट थर्ड शॉट चलाने वाला हूं।
तो जैसे मैंने 3 शॉट्स चला ली है, मैं अभी आपको शॉर्ट्स दिखाने से पहले थोड़ा जो मैंने चलाया, जो मुझे फील हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो NX200 है, इसके अंदर आपको SX200 के मुताबिक आपको जो फोर्स है, रीलोडिंग फोर्स है, वो कम लगाना होता है, और जो रिकॉयल है वो इतना ज़्यादा नहीं है आपको SX200 के अंदर, ज़्यादा जो रिकॉयल है वो मिलेगा। और अब जो NX200 के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो मेन चेंजेस है वो है ये जो नाइट्रो राइफल है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जाती है, और इसके अंदर ये स्प्रिंगर राइफल है, और SX200 इसके अंदर स्प्रिंग यूज़ होती है। और जब हम जो हमारी एक राइफल अगर हम न्यू परचेज करते हैं तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन जो सिलेंडर होता है वो नियर अबाउट आपको 6000 के करीब वो जो फायर है वो कर सकता है, उसके बाद जो उसकी एक्यूरेसी है उसमें फ़र्क आ जाता है। और जो हमारी SX200 है, SX200 राइफल के अंदर जो कि स्प्रिंगर राइफल है, और इस राइफल के अंदर जो स्प्रिंग है वो नियर अबाउट 2 से 3 हज़ार के बीच में वो फायर करने के बाद स्प्रिंग लूज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें वो स्प्रिंग चेंज करवाना पड़ता है। अगर आपको एक्यूरेट वो जो इसकी एक्यूरेट कट करें, आप एक्यूरेट शॉट चाहते हो तो आपको वो स्प्रिंग चेंज करवाना होगा। और जो इसका अगर बाय चांस अगर जो अपना NX200 के अंदर अगर जो नाइट्रोजन गैस अगर वो किसी भी रीजन से अगर वो लीक हो जाती है तो आपको वो दोबारा से रिफिल करवानी पड़ती है, और निर्बाउट उसका खर्चा आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में आपका वो खर्चा आ जाता है। बट SX200 मिरर के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर स्प्रिंग चेंज होने के बाद वो वापस नई जैसी राइफल हो जाती है। तो अब मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ जो कि हमने NX200 से फायर किए थे, अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने अभी फायर करके दिखाया, इस राइफल की जो साइटिंग के मुताबिक हमारे ये शॉट इस जगह पे गए, और जिसमें से एक शॉट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड भी इसी जगह से वो निकला है। तो मतलब इसका जो नीचे जाने का एक ही रीज़न है कि जैसे आप साइड्स को एडजस्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली शॉट या ऊपर या नीचे आ सकते हैं। तो जो हमारी जो वीडियो थी वो आपको कैसी लगी, और अगर आपको और कोई अगर इस राइफल के बारे में और अधिक नॉलेज लेनी है या इन राइफल्स के बारे में और कुछ पूछना है, तो जो कि हमारा मोबाइल नंबर है 9888-222-248, या जो हमारी वेबसाइट है colonelsharpshooter.com पे जाके हमें संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।